अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और हमारे साथ में है नफीस। एंड इनको आपने देखा होगा Realme 5 Pro के रियल यूज़र रिव्यूज़ में, तो उस वक्त इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसा लगा इनको Realme 5 Pro, और उस वक्त ये Redmi Note 4 से शिफ्ट हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा बुराइयाँ भी की थी, कुछ कुछ अच्छाइयाँ भी बताई थी इन्होंने Realme 5 Pro के बारे में। एंड फिर उन्होंने कहा था कि मैं किसी Xiaomi या Poco फ़ोन पर फिर से स्विच कर जाऊँगा, एंड इन्होंने स्विच कर गए दोस्तों ये Xiaomi का Poco M2 Pro पे। एंड उसके बाद इनका जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में हम लोग आज इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर Poco M2 Pro कैसा काम कर रहा है, कैसा है ये डिवाइस, लोगों को ये रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज का रियल यूज़र रिव्यू काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जब Realme 5 Pro से Poco M2 Pro पे स्विच किया तो उस वक्त आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल जब नया नया फ़ोन था Poco M2 Pro? न्यू जब फ़ोन था तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मतलब मेरे को लेना था ब्लैक कलर लेकिन मिला मेरे को यही ब्लू कलर, और वो भी मैंने अलग से OLX से ख़रीदा था 300 रुपये एक्स्ट्रा दे करके, क्योंकि मुझे फ्लैश सेल्स में मिल नहीं रहा था ये फ़ोन। तो जैसा कि Xiaomi के बारे में जानते हैं आप लोग, आसानी से तो फ़ोन मिलता नहीं है, तो काफ़ी अच्छा था। और अभी लगभग मैं 8 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। 8 महीने हो गए जी करते करते। हाँ, तो अभी तक मैंने तो इसको एक बार भी, जब फर्स्ट टाइम आया था तो जो बूट हुआ था तो उसके बाद से मैंने दोबारा से फॉर्मेट तो नहीं किया है अभी तक, लेकिन थोड़ा सा अभी लैग हो रहा है फ़ोन। अच्छा, फ़ोन अभी लैग हो रहा है थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी। अच्छा, तो आप 8 महीने से इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। मुझे याद है जब Realme 5 Pro आप यूज़ करते थे तो उस वक्त आप परेशान थे उसके हैंगिंग इशू से एंड उसके बैटरी ड्रेन से, राइट? हाँ। तो आपने कहा था कि उससे अच्छा मेरा Redmi Note 4 काम कर रहा है। अभी ये जो Poco M2 Pro है, क्या ये ज़्यादा अच्छा है Redmi Note 4 से और ज़्यादा अच्छा Realme 5 Pro से काम कर रहा है, या फिर उनके जैसा ही है? नहीं नहीं, उनसे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बैटरी के मामले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। okay. और चार्जिंग भी अच्छा होता है, 32 वाट का फास्ट चार्जिंग है, और बैटरी बैकअप भी एकदम मतलब सही मिल जाता है, एकदम ऑन स्क्रीन टाइम बोले तो 8 से 9 घंटा का मिल जाता है इजीली। ओके okay. हाँ, तो बैटरी से आप सेटिस्फाइड है। अगर बात कर ले इसके कैमरा के बारे में, हाँ, तो इसका कैमरा आपको कैसा लगा? मैंने सुना आप बहुत ज़्यादा सेल्फीज वगैरह लेते हैं, पोस्ट वगैरह करते हैं। तो कैमरा इसका बहुत अच्छा है, बैक कैमरा भी बहुत अच्छा है और फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा है। मतलब जो चीज़ नेचुरल फेस है, मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह होता रहता है, तो बिल्कुल एकदम क्लीन दिखता है। अच्छा, ये चीज़ अच्छा। तो कैमरा के मामले में बहुत अच्छा है। मतलब ब्यूटीफाई आपको पसंद है? ब्यूटीफाई नहीं करता है ये। अच्छा। यही चीज़ तो मेरे को नहीं पसंद था, क्योंकि Realme में जो था ना, ब्यूटीफाई करके पूरा चेहरे को चेंज कर देता था। अच्छा। ये जो है, मैं क्या बोला, नेचुरल दिखता है बिल्कुल। ओके, लेकिन पिंपल्स हटा देता है, दाग वगैरह सब एकदम नहीं दिखता है, वही तो चीज़। अच्छा, नेचुरल दिखता है, वो ज्यादा पसंद है? मैं उल्टा समझ गया था, मुझे लगा ब्यूटीफाई ज्यादा पसंद है। नहीं, इनको जो दिखता है वो ज्यादा पसंद, मतलब ओरिजिनल पसंद। ओरिजिनल पसंद। ओके, आई वाज कंफ्यूज, क्योंकि मैं नेचर का ज्यादा फोटोग्राफी वगैरह भी करता रहता हूँ बैक कैमरे से, तो काफी बेहतर मुझे मिल रहा है इसका परफॉर्मेंस। तो आप कैमरा से फुली सेटिस्फाइड है एंड आप यहाँ पे बैटरी से फुली सेटिस्फाइड है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ इसके कुछ कमी के बारे में कि आपको क्या लगी जो इसमें इम्प्रूव होनी चाहिए थी या आपको परेशानी हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट निकला है तो मुझे थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि ये प्रॉपर ले नहीं पा रहा है फिंगर। अच्छा। तो मतलब नहीं हो पाता है ओपन ऑलमोस्ट, मतलब मैं हमेशा फिंगर चेंज करता रहता हूँ, बट फेस अनलॉक ही काम करता है सही। तो फिंगरप्रिंट सही से काम नहीं कर रहा है इसका साइड, बार बार आपने यहाँ पे रिमूव करके ऐड करने की कोशिश कर चुका हूँ लेकिन नहीं, फिर भी काम नहीं कर रहा है, नहीं काम कर रहा। ओके, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट से थोड़ा परेशान है, मे बी ये सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर से याद आया, अपडेट थोड़ा इसका बहुत स्लो आता है अब, बहुत ज़्यादा स्लो आता है। कितना, मतलब कितने महीने में आ जाता है? लगभग कभी 2 महीने कभी 3 महीने, मतलब जब से मैंने फ़ोन लिया है लगभग इसमें अपडेट्स जो है 3-4-5 बार ही आए बस। मतलब 8 महीने में सिर्फ 3-4-5 अपडेट। अगर मैं अभी यहाँ पे चेक करूँ इसे, ये अभी 12.0.4 पे चल रहा है, तो Xiaomi वालों को चाहिए कि कम से कम यार 12.5 का अपडेट जल्दी से जल्दी रोल आउट करें ताकि लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हों। लेकिन एक चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा मुझसे इन्होंने बार बार शिकायत की है कि फ़ोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है फ़ोन, स्टटर हो रहा है। एंड ये कह रहे थे कि पहले बहुत ज़्यादा स्मूथ था जब नया नया ये फ़ोन आया था, लेकिन अब ये स्टटर हो रहा है एंड ये परेशान हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे ये फ़ोन को भी सेल करना है और दूसरा फ़ोन इन्हें बाय करना है। तो ऐसी चीज़ें हुई, तो मैंने इन्हें कहा कि 12.5 का वेट कर लीजिए, लेकिन इंसान वेट भी कितना करे, राइट? बहुत दिनों से इसमें अपडेट फ़ोन में, मतलब कि अब 6-7 मंथ 8 मंथ यूज़ कर लिया आपने,
अपने फोन बहुत ही इनफ है मेरे लिए तो। ओके कमी तो नहीं है और कुछ भी, बस यही दो प्रॉब्लम है। कभी कभी बिल्कुल मतलब कि ब्लैंक हो जाता है कुछ देर के लिए, और रीस्टार्ट टाइम जो मतलब जब नया नया आया था तो बहुत फास्ट हो जाता था, मतलब कुछ सेकंड में, और अभी लगभग 1 मिनट ले लेता है ये रीबूट होने में। 1 मिनट तक रीबूट होने में टाइम लग जाता है, स्टटर के इश्यूज हैं। ओके उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप रियलमी से इस पर शिफ्ट हुए हैं तो क्या आपके मन में दोबारा आ रहा है कि आपको रियलमी पे शिफ्ट होना चाहिए? नहीं, मैं रियलमी पे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इसका यूआई बहुत पसंद है। मैं यूआई जो है वो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। अगर मैं मान के चलो कि अगर मैं आईफोन भी परचेस करता हूँ तो मैं एक Xiaomi का फोन जरूर रखूंगा अपने साथ में हमेशा। इतना पसंद है एमआई भाई आपको? अरे भाई तो एमआई भाई में आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रहा आजकल? लोग बहुत कहते हैं ऐड आता है, एड्स आते हैं, ब्लोटवेयर्स है, मुझे तो कुछ भी नहीं ऐसा कुछ दिखता है। ओके पोको है ना? हाँ पोको में तो ऐड होते हैं। रेडमी होता तो मे बी आप परेशान हो जाते यहाँ पे ऐड वगैरह से, मे बी। रेडमी का फोन है अभी भी मेरे पास, नोट 4 है वो भी यूज करता हूँ, फिर घर में वाई 2 है, वाई 3 है, तो उन लोगों का थोड़ा सा बैटरी इशू हो गया है। ओके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं देता है बैटरी। और इसकी बात करूँ तो मैं इसमें इसका डिस्प्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं टेम्पर्ड यूज़ नहीं करता हूँ और ओरिजिनल डिस्प्ले ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो इसका डिस्प्ले मुझे बहुत स्मूथ लगा, बहुत अच्छा लगा। और इसका जो बॉडी है ना बैक का, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो मैं इसके लिए कवर यूज़ करता हूँ क्योंकि विदाउट कवर अगर यूज़ करूँगा तो ये फ़ोन गिर जाएगा और टूट जाएगा। स्लिपरी तो है, मतलब बिना कवर का इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसका बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने पोको M2 Pro यूज़ किया इतने दिनों तक, अगर अभी कोई बंदा चाहेगा कि मुझे पोको M2 Pro बाय करना है तो क्या आप उसे रिकमेंड करेंगे इस फ़ोन को बाय करना? जी रिकमेंड तो मैं करूँगा, लेकिन अगर मतलब मैं बोलूँगा कि थोड़ा और पैसा लगा करके पोको X2 ले लो या X3 लॉन्च हुआ है ना? हाँ, X3 ले लो तो वो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने अपने रूम पार्टनर को वही फ़ोन बोला था और उसके बाद मैंने उससे रिव्यू पूछा था कि कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, तो उसने बताया कि बहुत अच्छा रहा। तो लैगिंग इशू मैंने पूछा उससे कि है क्या, तो बोला नहीं मुझे बहुत अच्छा स्मूथली परफॉर्मेंस मिलता है उसका, तो बस मुझे इसमें इशू है तो मैंने बताया आपको कि हाँ थोड़ा ये लैग होता है। हाँ हाथ में लेने के बाद अच्छा लगा, लेकिन इससे पहले मैं वो रियलमी 5 प्रो यूज़ करता था तो वो काफ़ी लाइट वेट होता है और रियलमी का सारे फ़ोन मतलब लगभग बहुत लाइट वेट होते हैं, तो पोको का फ़ोन मुझे थोड़ा काफ़ी हैवी लगा। और मतलब जो भी पोको का फ़ोन अभी लॉन्च हो रहा है लेटेस्ट, मेरे से M2 हो गया, M2 Pro, X3 Pro, तो वो थोड़ा हैवी वेट सब हैवी है। तो यही है कि रियलमी काफ़ी लाइट वेट फ़ोन बनाता है, तो Xiaomi को भी चाहिए कि भाई लाइट वेट फ़ोन बनाओ, लोगों की एक्सपीरियंस सही होती है। यहाँ पे हाथ तो दर्द कर जाता होगा ये पोको वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा अगर लेट के यूज़ कर रहे हैं ना कभी तो कितनी बार गिर चुका है। दांत वटने ना तोड़ा इसमें तोड़ देगा, X3 Pro यूज़ करके देखिए, X3 तोड़ देगा दांत वो। तो ये है पूरा का पूरा रियल यूज़र रिव्यू पोको M2 Pro का। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है इन्हें ये फ़ोन और एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। आप पोको से पेड वगैरह तो नहीं है ना, पैसे वैसे तो नहीं लिए ना पोको वालों से? तो एक्सपीरियंस इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, एंड बेसिकली रियलमी से तो अच्छा रहा है, लेकिन अगेन इनको इशूज़ है क्योंकि इन्होंने बार बार मुझे कॉल किया इसके लैग्स के बारे में, स्टटर्स के बारे में, एंड दूसरी चीज़ जो भी इशूज़ आते हैं जैसे अपडेट इसमें कम आते हैं तो उन सब के बारे में इन्होंने कहा है। लेकिन जो इनका काम था, जो बेसिकली इनको फोटोग्राफी मतलब अपना फोटोज़ वगैरह सेल्फीज़ वगैरह लेने के लिए या फिर बैटरी लंबी चाहिए थी, चैट्स वगैरह करने के लिए, कॉलिंग वगैरह करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आई है। तो आई थिंक कि पोको M2 Pro को मैं यहाँ पे पास करना चाहूँगा अपने रियल यूज़र रिव्यूज़ में। रियली अच्छा फ़ोन इन्होंने निकाला था, अच्छा फ़ोन है, बस 12.5 आ जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आई होप कि आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आता रहूँगा, एंड मेरे छोटे लेकिन लंबे भाई को बाय बाय करते हैं। ज़्यादा लंबा हो गया।